माय नेम इज अनुप कुमार, काम कर रहा हूँ हल्दीराम में। तीन प्रकार की वैकेंसी होती हैं, एक टीम मेंबर, फिर कैशियर, फिर मैनेजर, फिर आउटलेट लीड। के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो हल्दीराम की वैकेंसीज रहती है, उनके बारे में पता कैसे चलता है लोगों को? सर, इस तरीके की जो जॉब वैकेंसीज रहती है, इसमें लगभग स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो जाती है? तो इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे? इंटरव्यू रिज्यूमे में कुछ खास चीज लिखनी होगी या सिंपल रिज्यूम? सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप में से काफी सारे लोग अपना करियर हल्दीराम में बनाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूं कि अगर आप अपना करियर हल्दीराम के साथ बनाना चाहते हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पर आती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानूं। माय नेम इज अनुप कुमार। और सर, अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? मैं RDC में काम कर रहा हूँ, हल्दीराम में। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हल्दीराम में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस जो हल्दीराम की वैकेंसीज रहती है उनके बारे में पता कैसे चलता है लोगों को? मैम, पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलेट में जाके पता कर सकते हैं, आउटलेट मैनेजर से पता कर सकते हैं कि वैकेंसी अभी खाली है या नहीं है, वरना इंडिगो और कई सारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके हल्दीराम.com पर सर्च करें और वहाँ पर वैकेंसी पता चल जाएंगी। ओके, तो अभी आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं सर? मैं एज ए कैशियर। कैशियर के अलावा सर और कौन कौन सी पोस्ट रहती है जिसमें हल्दीराम का आउटलेट जो है लोगों को हायर करता है? मैम, हमारे यहाँ तीन प्रकार की वैकेंसी होती हैं, एक टीम मेंबर, फिर कैशियर, फिर मैनेजर, फिर आउटलेट लीड, फिर उससे ऊपर GM CM ये होते हैं। तो बेसिकली इस तरीके की वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है? कम से कम ट्वेल्थ। सर, इस तरीके की जो जॉब वैकेंसीज रहती है, इसमें लगभग स्टार्टिंग सैलरी कितनी हो जाती है? अभी तो मैम इस समय स्टार्टिंग ये 14,000 से दे रहे हैं। स्टार्टिंग 14,000। और क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहती है? 12th pass रहती है। यस मैम। जैसे काफी सारे लोग हैं जो कि फ्रेशर रहते हैं, तो क्या फ्रेशर के लिए भी अपॉर्चुनिटी? हाँ जी मैम, फ्रेशर के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर हल्दीराम में, जिससे आगे आपका करियर भी बढ़ सकता है इसमें। अच्छा, काम कितने घंटे करना होता है? मैं 9 घंटे की शिफ्ट होती है। 9 घंटे की शिफ्ट होती है। एक सर, हमारे साथ जैसे बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे लोग हैं ना ये भी सोचते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई बंदा जब अप्लाई करता है उसके पास कॉल भी आता है, तो इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे? इंटरव्यूज में सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिज्यूम देखा जाता है कि रिज्यूम में आपने कहाँ पहले काम किया है, कहाँ काम नहीं किया, एक्सपीरियंस देखा जाता है। आप फ्रेशर हो तो सीधे जाकर मैनेजर से कहो कि सर मैं फ्रेशर हूँ, वो आपको टीम मेंबर की जॉब देंगे जिसमें आपको काम सिखाया जाएगा, बेसिक पूरी SOP के साथ में आपको ट्रेन किया जाएगा, फिर आपको सीधे आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपना काम। अच्छा सर, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे ऑनलाइन तो हल्दीराम की वेबसाइट है, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इनकेस अगर कोई अपने लोकल एरिया में जॉब ढूंढ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी हम RDC में खड़े हैं, RDC की बात करें, या फिर अगर कोई हमें लखनऊ से भी देख रहा है, कानपुर से भी देख रहा है, तो अगर वो अप्लाई करना चाहे तो डायरेक्ट विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं? डायरेक्ट विजिट करके अप्लाई। यस मैम। अपना रिज्यूमे लेके। अच्छा, रिज्यूमे में कुछ खास चीज़ लिखनी होगी या सिंपल रिज्यूम? सिंपल रिज्यूम मतलब फ्रेशर हो तो फ्रेशर के लिए तो खाली अपना नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सारा ही होता ही है बेसिक, और वैसे तो ज़्यादा कुछ मांगते नहीं है इसमें, ले लेते हैं आसानी से। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपना करियर सर की तरह हल्दीराम जैसे बड़े ब्रांड में बनाना चाहते हैं, तो सर ने आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइज, तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सर।